नमस्कार, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं अजिता। रीवा न्यायालय से पेशी कर वापस घर लौट रहे वृद्ध पर जानलेवा हमला कर दिया गया। अचानक हुए हमले में वृद्ध को गंभीर चोटें आई हैं। हमलावार कोई और नहीं बल्कि पीड़ित वृद्ध के अपने ही बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वृद्ध को रास्ते में यात्री जीप से नीचे उतारकर मारपीट की गई है। फिलहाल घायल को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल यह घटना गुरुवार की शाम गुड़ थाना के ग्राम रीठी के समीप की बताई जा रही है। घायल वृद्ध उमा शंकर मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि वह गुरुवार को न्यायालय में पेशी करने गुड़ से रीवा आया हुआ था। शाम को जब वह पेशी कर वापस घर लौट रहा था तभी रास्ते में यात्री जीप को रोककर उसे नीचे उतार लिया गया और लाठी डंडे से जमकर मारपीट की गई। घायल ने अपने ही परिवार के लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। हालांकि हमले का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। फिलहाल हमले में घायल वृद्ध का उपचार संजय गांधी अस्पताल में कराया जा रहा है, जिसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। हम पेशी करके जा रहे थे तो ये टोल प्लाजा के आगे और रीठी के बीच में कहीं हमको ध्यान अच्छे से नहीं आ रहा कि जगह का एक्चुअली जगह कौन सी है। वहाँ पे दो तीन गाड़ी वाले जो हैं तो आ गए, आगे गाड़ी खड़ा कर दिए जीप के आगे और पीछे भी गाड़ी खड़ा करके डंडा से पिटाई करने लगे। कोई हाकी से मार रहा था, कोई डंडे से, कोई राड से। हम लोग कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि किसके लिए ये गुंडे मार रहे हैं, किसको मार रहे हैं। कौन थे आप लोग जानते हैं? हाँ, उसमें जानते हैं। उसमें एक द्वारिका मेरा चाचा, एक मामा मेरा था उसको राजू बोलते हैं और उसका कुछ और नाम है, असली नाम कुछ हुआ और है। किस बात की आप गवाही देने गए थे, क्या पेशी थी? प्रदीप, एक का नाम प्रदीप है, एक का नाम प्रवीण है, चाचा का लड़का है, और मेरा भाई सगा धनंजय है ना, ये सभी लोग और चार पांच गुंडे थे। काहे से मारे हैं आपको? हाकी से, राड से और डंडे से, वहाँ टूटे पड़े हुए हैं। कौन से टोल प्लाजा के पास आपके साथ करना है? ये टोल प्लाजा के आगे, ये जो गुड़ रोड में टोल प्लाजा है ना, गुड़ रोड से गुड़ की तरफ गाड़ी जा रही थी। हम भैरम बाबा के पास गांधी गांव से रहने वाले हैं। रिपोर्ट तो मैंने कलेक्ट अभी कल और परसों एसपी साहब से मुलाकात की कि हमको कोई नहीं सुन रहा। कलेक्टर साहब को परसों दिए कि कोई नहीं सुन रहा है, एसपी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? उमा शंकर मिश्रा। ये कब की घटना है आपके साथ, घटना कब हुई है? आज तकरीबन कितने बजे? 4 से 4:30 बजे रहे होंगे। 4